हमने एक टू वे गैंग बॉक्स के ऊपर एक इंडिकेटर, एक बैल स्विच और एक इधर है बैल, करते हैं वायरिंग। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ये इधर इंडिकेटर है, ये बैल स्विच है। इंडिकेटर से बैल स्विच के लिए फेज आएगा, बेल स्विच का इनपुट टर्मिनल है, वायर का दूसरा सिरा इधर कनेक्ट कर दीजिए। बेल स्विच से बेल के लिए फेज वाला पॉइंट जाएगा, बेल स्विच के आउटपुट टर्मिनल में लगा दीजिए इसको। ये वायरिंग आप खुद कर सकते हो किसी की हेल्प लिए बगैर। इसको हम ये बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं। ये पॉइंट वाली वायर है डोर बेल के लिए, और बेल के लिए एक न्यूट्रल वायर जाएगी। इसको इंडिकेटर के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे ये यहाँ से बेल के लिए चली गई है दोनों वायर, इधर फेज इधर न्यूट्रल स्विच से। ये आप देख रहे हो घंटी के टर्मिनल, इधर न्यूट्रल वायर यहाँ पे लग गई, और ये पॉइंट फेज वाली वायर बेल स्विच से आई है, ये यहाँ पे लग गई। अब ये कनेक्शन है सिंपल, नॉर्मली हमारे घर में करते हैं वैसे। आपके घर में जो वायरिंग की गई है डोर बेल की, वो ऐसे की गई होगी, ये देख लीजिए। अब इसमें मास्टर ऑन ऑफ स्विच कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। इसको एक बार आपको ऑन करके दिखाते हैं हम। इसकी पावर को करते हैं ऑन, पावर आ चुकी है इसमें। ऐसे ही अभी नॉर्मल हमने कनेक्शन किए हैं इसके, और अब इसमें मास्टर ऑन ऑफ स्विच जो लगाने वाले हैं हम, वो कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक ये बैट स्विच। बैड स्विच आप मार्केट से ले लीजिए, आपको इलेक्ट्रिकल की दुकान पे मिल जाएगा। और उसके साथ में आप ऐसी वायर लेनी है, ऐसी जितनी आपकी जहाँ पे ये जितने हाइट पे रख सको, जहाँ आपका हाथ पहुँच जाए उतना लंबा ये वायर ले लेना, ऐसे ये वाली। अब इसके कनेक्शन करने कैसे, पहले आप घंटी की पावर को ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद ये फेज वाली वायर घंटी में जो लगी होगी उसको हटा लो। इस वायर में ये वाली रेड वायर को यहाँ से जॉइंट करना है। हम ये टीबी का यूज कर रहे हैं, अब इसको यहाँ लगाया हमने, और ये वाली वायर हम यहाँ कनेक्ट करें। और ये ब्लैक वाली वायर आप ये घंटी के पास में आप स्विच लगा सकते हो, बेड स्विच ये वाला, ये मास्टर ऑन ऑफ स्विच हो जाएगा, ये देखिए। और अब ये दो वायर आ चुकी है,
ऐसे लगानी है, देख लीजिए ये दो वायर आ गई है। अब बेड स्विच लेना है, वायर इतनी लंबी रखिए जहाँ आपका हाथ आसानी से पहुँच जाए। बेड स्विच को खोल लीजिए और इसके अंदर आपको ये टर्मिनल है दो, इसके इनपुट और आउटपुट। इसमें आप ये वाले पे ये रेड कलर की वायर को अच्छे से कनेक्ट कर दीजिए। और आउटपुट वाले पे ये ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया, ऐसे इसको लगा करके आप अब इसका ये ढक्कन लगा दीजिए। ये हो गया आपका मास्टर ऑन ऑफ स्विच डोरबेल का। आप इसको खुद से लगा सकते हो किसी की हेल्प लिए बगैर, हमने जैसे आपको बताया वैसे आप आसानी से इसको लगा दीजिए। इसमें इनपुट पावर हमने दे दी है। अब ये मास्टर ऑन ऑफ स्विच हमने लगाया है, बेड स्विच ये आपके घर के अंदर रहेगा जहाँ बैल रहेगी उसको आप हाइट पे, अगर बैल लगी है उतनी जितने हाइट पे आप लटकाइए जहाँ आपका हाथ आसानी से पहुँच सके, इसको कर दीजिए ऑन जब आपको घंटी को ऑन रखना है। अब ये घंटी बजेगी और जब आपको डिस्टर्ब लगे किसी भी टाइम उस टाइम इसको ऑफ कर दीजिए। और अब कोई भी अगर इसको प्रेस करता है बाहर से आके ये ऑन नहीं होगी, यानी कि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। जब भी आप इसको ऑन करोगे तभी ये बेल बजेगी, ऑफ करने के बाद कोई काम नहीं करेगी लेकिन इंडिकेटर में पावर दिखती रहेगी। उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको कनेक्शन करके दिखाए हैं डोरबेल मास्टर ऑन ऑफ स्विच के, ये आपको कंप्लीट समझ में आए होंगे। ऐसे आप अपने घर पे खुद से डोरबेल में मास्टर ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हो।